जैसे ही सीधा बात हो तो यहाँ से रबर उतर कर जाएंगे। देखिए देखिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आज मैं आपको इस वीडियो में ऑटोमेटिक पावरफुल रबर बैंड गन बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिसे घर पर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और खेल सकते हैं। इससे खेलने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार दोस्तों। आपके लिए तो मेहनत करके इतनी इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके की एक डीसी गियर मोटर चाहिए। यह आसानी से आपको साइंस प्रोजेक्ट की शॉप पर मिल जाएगी। देखिए, उसके बाद मैंने इसके ऊपर दो वायर भी जोड़ लिए हैं। और उसके बाद चाहिए आपको ऐसा एक बोतल का ढक्कन पुराने। देखिए, ये दो चीजें ले लेने हैं आपको। अब हमें क्या करना है, इस कैप के बीच में होल कर लेना है ताकि हम इस मोटर की शाफ्ट को इस कैप के अंदर बिठा सके। उसके लिए हमें इसके बीच में एक होल कर लेना है। यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन से कर रहा हूँ, आप कील को भी हिट करके कर सकते हो। देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होल कर लेना है। अब हमें इस गियर मोटर को लेना है और इस कैप को लेना है और इसके शाफ्ट में इसे बैठा देना है। देखिए, और उसके बाद इसे ग्लू गन से बढ़िया से चिपका देना है। देखिए, कुछ इस तरीके से बढ़िया से चिपका देना है। अब हमें कुछ इस तरीके का एक स्क्रू चाहिए, आपको हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगा। देख, इसके बीच में हमें इसे चिपकाना है। हम इसे ग्लू गन से चिपका लेते हैं बीच में। देख, इसके बीच में चिपका लेना है इसे। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके के एक स्केल चाहिए, जिससे हम मार्किंग करते हैं वो वाली। देख, उसके बाद इस मोटर के यहाँ पर हमें इसे चिपका लेना है। देखिए, कुछ इस तरीके से चिपका लेना है। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके की जो आइसक्रीम स्टिक होती है ना, उससे मैंने ऐसे दो पीस कट कर लिए। देखिए, तिरछा कट किया है मैंने इसे। उसके बाद ऐसे ऐसे बीच में ऐसे चिपका लेना है इन दोनों को आपस में। देखिए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें हमारी ये गन लेनी है। और देखिए, ये जो पीस है ना, इसे हमें यहाँ पर आगे की ओर चिपका लेना है ग्लू गन से। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे चिपका लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें ऐसी एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए। देखिए, ये आपको आसानी से साइंस प्रोजेक्ट की शॉप पर मिल जाएगी। देखिए, उसके बाद यहाँ पर इसे चिपका लेना है हमारे गन के नीचे की ओर। देखिए, कुछ इस तरह से। अब मैंने ऐसा एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है हमारी गन का हैंडल बनाने के लिए। देखिए, इसे हम यहाँ पर चिपका लेंगे ग्लू गन से। देखिए, कुछ इस तरह से। अब हमें कुछ इस तरीके का एक 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर चाहिए। ये भी आपको साइंस प्रोजेक्ट की शॉप पर मिल जाएगा। उसके बाद हमारे बैटरी के ऊपर इस कनेक्टर को लगा देना है। देखिए, कुछ इस तरह से। और उसके बाद चाहिए हमें कुछ इस तरीके का एक छोटा पुश स्विच। ये भी आपको साइंस प्रोजेक्ट की शॉप पर मिल जाएगा। अब हम हमारे गन के कनेक्शन करेंगे। हमारे मोटर की निगेटिव वायर को और बैटरी कनेक्टर की निगेटिव वायर को हमें आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर आपको सोल्डरिंग आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, और उसके बाद हमारे बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव हमारे स्विच के एक टर्मिनल पर लगा देनी। देखिए, और हमारे मोटर की दूसरी वाली वायर को हमें स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर लगा देना। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके। अब मैं जैसे ही स्विच को दबाऊंगा तो हमारी मोटर चलने लगी। देखिए,
छोड़ता हो तो नहीं चलती है, दबाता हो तो चलती है। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें हमारे पुश स्विच को यहाँ पर चिपका लेना है हमारे हैंडल के ऊपर ग्लू गन से। देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये तो हमारी ऑटोमेटिक रबर बैंड गन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे चलाना कैसे है। इसे चलाने के लिए सिंपली आपको ऐसा रबर बैंड लेना है और हमारे स्क्रू पे ऊपर लगा देना है और इसे ले जाकर आगे किए जो हमने आइसक्रीम स्टिक लगाई ना इसके ऊपर ऐसे अटका देना है। देखिए इसे एक लग गया रबर, अब ऐसा मैं दूसरा लगाता हूँ। ऐसे मैं सारे को लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने हमारे ऑटोमेटिक रबर बैंड गन पर रबर को लगा लिया है, मतलब हमारे बुलेट को। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगी। जब हम इस स्विच को दबाएंगे तो यहाँ से रबर तेजी से आगे कर उड़कर निकल जाएगा और जो हमने आगे की ओर टारगेट सेट करके रखा है ना उसको उड़ा देगा। तो चलिए अब हम इस गन को टेस्ट करके देखते हैं। अब हम इस ऑटोमेटिक रबर बैंड गन की टेस्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कप रखे, मैं जैसे इसे दबाता हूँ तो यहाँ से रबर उछल कर जाएंगे। देखिए 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 एक और बार उड़ाते हैं हम इस गन से। चलिए देखिए देखिए खत्म। देखिए गन कैसे काम करते हैं, आप नजदीक से देखिए। देखिए कैसे घूमता है, देखिए और रबर उछलते हैं। देखिए तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा है गन का मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे आगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब हम इसे एक और बार उड़ाते हैं लास्ट बार। देखिए